और तीज को मैं तवांग वसूल करूंगी। इनको बचाने के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। मामा और पापा ने डिसाइड किया है कि वो मुझे दुबई भेज रहे हैं। क्या 15 करोड़ रुपए का बनबस हो गया कि नहीं? मेरे भाई की जान की कीमत इस मैसेज और कॉल से भी सस्ती है जो तुम मुझे कर रहे हो, इसलिए फोन रख दो। तेरा भाई कहता है ये तेरी कीमत मेरे मोबाइल बैलेंस से कम है, पैसे नहीं देगा। मेरे मोबाइल अकाउंट में 453 पैसे हैं। मैंने तो कहा था वो 1 रुपए नहीं देंगे, वो तो इन्हें वापस लेने के पैसे लेंगे। फिर मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं। इसके चार्जेस भी राहत भाई से ज्यादा हैं। अबशीर देखो, पहले पिस्तौल की गोली, ठीक है, फिर लाश पहुंचाने के लिए पेट्रोल लगेगा, वो डीजल, फिर वापसी, उसके बाद फिर सारी सफाई करने के लिए कम से कम 2 फिनाइल की बोतलें तो लगेंगी। आप घाटे में हैं। प्यारे भाई आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि किन रेलो कट्टों से वास्ता पड़ गया है, पर अपन का नाम ये ठन्नी है। मुझे 15 करोड़ ना मिले तो तुम दोनों के साथ मेरे रोब और दबदबे का जनाजा निकल जाएगा। मेरे पास हारने को कुछ नहीं है। आप अपनी बतीसी तो अंदर करें। दोबारा नंबर मिला के दे। दोबारा? दोबारा फोन मिलाओ। देखा, आ गया फिर फोन। अभी सीधा करते हैं। बात सुनो, तुम जो भी हो, मुझे पहले सबूत चाहिए कि मेरा भाई वहां पर है। देख लड़के, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे 15 करोड़ ना मिले तो रात और बशीर की लाशें भी नहीं मिलेंगी। बशीर? हाँ, तेरा हीरो भी मेरे पास है। अपने भाई से आखिरी बार बात करनी है, ये ले कर ले। हेलो अली। अरे यार, आप तो बशीर को फोन दें। कोई लिफ्ट ही नहीं है। हेलो अली साहब। बशीर, क्या तुम लोग वाकई में अगवा हो गए हो या कोई ड्रामा चल रहा है? ड्रामा? अली साहब हमें बचाएं, ये अठन्नी उस्ताद हमें मार देगा, कुछ करें प्लीज। हाँ लड़के, तसल्ली हो गई? जब 15 करोड़ रुपए का बंदोबस्त हो जाए तो 2 घंटे के अंदर अंदर इसी नंबर पर फोन कर, पुलिस को रिपोर्ट करने या जवाब ना देने की सूरत में मेरा जवाब मौत होगा। अठन्नी भाई, मैं समझ गया, मैं इंतजाम करता हूँ। बशीर और राहत भाई वाकई में अगवा हो गए। और उसने कहा कि पुलिस को कॉल मत करना वरना दोनों को मार देगा। अब मैं ना तुम अंदर ले जाऊं। कुछ नहीं होगा जुमन, कुछ नहीं होगा। बेटा तुम ठीक तो हो? पापा सब ठीक तो हो जाएगा ना?
तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम लोग मिलकर इस मसले का हल कोई ना कोई निकाल लेंगे। पापा ये सही टाइम नहीं है ये बात करने का, लेकिन मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ इससे पहले कि आप मेरे टिकट्स ले लें। हाँ हाँ बेटा बताओ। वो पापा एक लड़का है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे भी बहुत पसंद है। कौन है? मिकी माउस। मिकी माउस? मुख्तार? वो एडी का भतीजा? जी। उसने तुमसे शादी का कहा है? जी। मीना क्या तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि तुम्हें दुबई नहीं जाना? नहीं, आई मीन हाँ आई थिंक सो, दुबई तो मुझे नहीं जाना वो अलग बात है, बट ये बात भी बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट। मुख्तार मुझसे शादी करना चाहता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे मिलेंगे ना तो आप भी यही कहेंगे। हाँ मैं उससे मिल लूंगा। रियली? यस, लेकिन लेकिन क्या? अभी नहीं, पहले तुम्हें अपना कॉलेज फिनिश करना होगा। और हाँ वो तुम्हारे टिकट में ले आया हूँ, वो तुम्हारे कमरे में रखे हैं, ठीक है? हेलो मिकी माउस। हेलो मीना माउस। क्या कर रहे थे? आपके बारे में सोच रहा था। आपकी आवाज इतनी डाउन डाउन क्यों लग रही है? क्या सोच रहे थे? मीना माउस जब भी आपके बारे में सोचता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घर में हूँ और घर के आखिर में एक रोशनी है और वो रोशनी आप है और मैं उस रोशनी को पाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी उस रोशनी की तरफ भागता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, दीवारों को टकरे मारने लगता हूँ, खाना खाते खाते जुबान चबा जाता हूँ, मेरे दाएं हाथ को नहीं पता चलता मेरा बायां हाथ क्या कर रहा है, चलते चलते फिसल जाता हूँ, लेकिन जब भी ये सोचता हूँ कि आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका तो बस बहुत बहुत उदास हो जाता हूँ। मीना माउस, मिकी माउस, मैंने इतनी खूबसूरत बात जिंदगी में कभी नहीं सुनी है। वाकई? हाँ। तो फिर आप खुश क्यों नहीं लग रही? मैंने पापा से बात की है। आपकी बात हो गई? तो क्या कहा उन्होंने? वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, फिर पता नहीं क्या क्या करूं, फिर मिलेंगे वो आपसे। और टिकट्स का क्या हुआ? मेरी आज लेट नाइट की फ्लाइट है। तुम एक काम करो, तुम एयरपोर्ट आ जाओ और हम भाग के शादी कर लेंगे, फिर तो सबको मानना ही पड़ेगा ना, कैसा लगा आइडिया? हंस क्यों रहे हो तुम? आपने तो भागने का प्लान ही बना लिया। हाँ मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ मीना माउस। आपके पेरेंट्स ठीक तो कह रहे हैं, आप जाएं जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ, और तब तक मैं ये सारा ऑफिस भी ट्रांसफर कर दूंगा दुबई, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम शादी कर लेंगे, इस तरह आपके पेरेंट्स भी ज्यादा खुश होंगे। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं ना? मीना माउस आप तो नई लाइफ एंजॉय करेंगी, पीछे तो मैं रह जाऊंगा ना। क्या एंजॉय करना, मेरा बस चलता तो मैं तो यहीं रहती। मुझे भूलेंगी तो नहीं आप? भूल जाऊंगी अगर तुम विजिट नहीं करोगे तो। ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हें बहुत मिस करूंगी मिकी माउस। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा मीना माउस। तो मैं आपका फिर इंतजार करूंगा, सही है?
यारियां सी बढ़ रही हैं, दिन का जुड़ रही हैं, यारियां सी यार अब तो जबड़ा भी दुखने लगा है। तेरे क्या ख्याल है बशीर, अब मुस्कुराना बंद कर देना चाहिए? राहत साहब, मुझे लगता है आपको हंसना बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। तू गलत कह रहा है बशीर। आपको लगता है आपके बहन भाई हमें पैसा देके छुड़ा लेंगे? नहीं, ये तो नामुमकिन है। मौत तो तकरीबन कंफर्म है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये टाइम जो है रोने से ज्यादा हंसने का है, क्योंकि जब मरना है तो फिर रोते हुए क्यों मरे, हंसते हुए मरे। क्यों ना मरे, कभी इस बारे में सोचा है आपने? अरे मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन आपके साथ घर से बाहर निकला था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मत हंसे मुझ पे, मत हंसे मेरे पे। ऐसी दिखाओ, पता नहीं जिंदा जाएंगे नहीं जाएंगे, शादी तो कर लेने देते हैं। स्वीट इस सलीम भाई, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को रابطہ करना चाहिए। पर उसने पुलिस को बताने से मना किया है। तो फिर और क्या करें, पुलिस ही कुछ करेगी, और कोई रास्ता नहीं। पुलिस क्या करेगी, और अगर उसे पता चल गया तो? राहत और बशीर, पुलिस तो अगवाकारों के साथ मिली होती है। तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? मेरा भाई है, काबिल तो नहीं है लेकिन भाई तो है ना। कब का कहा था किडनैपर ने फिर कॉल करेगा? 2-3 घंटे। 1 घंटा तो गुजर गया। सलीम भाई, हमारे पास उसका नाम मौजूद है, अठन्नी। हमें जाना चाहिए पुलिस के पास, पुलिस कुछ ना कुछ तो कर लेगी ना। मैंने अठन्नी के बारे में पूछवाया है, आप पुलिस को इतला ना ही दें। आप उसे जानते हैं? मैं जानता तो नहीं हूं उसे, पर उसका नाम बहुत मशहूर है, शहर का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन गैंग है उसका। पुलिस तो क्या, बड़े बड़े सियासतदान भी उसके नाम से कांपते हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी उसके खिलाफ। अली, ये तो बुरे से बुरा होता जा रहा है। अरे मरे नहीं है अभी, और आप बशीर को ना भूलें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? तावान दे दें। कभी भी नहीं। ये कौन है? अठन्नी। ए रात, अपन को सॉरी बोलने का है। सॉरी जवन्नी। प्यारे भाई, आप कहाँ चले गए थे? हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक गए। अपन पैनिक कर गया था। एंड टाइम पे अपन सॉरी बोले है ना, और क्या मांगता है तू? नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कपड़े चेंज कर लें तो ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और तो कुछ नहीं, अपन बॉडी डबल है ठंडी का, वो एक इंच कपड़ा पहनना मांगता है। अपन फ्री होगा तो अपना बुटीक खोलने का है। बताया तो था आपने। अपन के साथ चल। किधर? फ्रीडम में अभी बोलने का नहीं, चलने का। अरे भाऊ, इसको भी खोलने का। अरे बच्चे, अरे बाकी मैं कर लूंगा। वाह।
इनको बंद हो, ये बड़े ड्रामे बाज है। ढन्नी उस्ताद आप कब रुपया बनेंगे? अपना मुंह बंद रख, अपनी बत्तीसी तो बंद रख लें। लेडी साहब, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह राहत भाई का झूठ और उनकी लालच है। और आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ बचा है और जो कुछ मैंने दादाजी की वसीयत के मुताबिक अपनी मेहनत करके जीता है, वो मैं राहत भाई को बचाने के लिए लुटा दूं। आपके पैसे काफी नहीं है, इसमें मिस्टर सलीम को भी अपना हिस्सा डालना होगा। हम क्यों हिस्सा डालें? अली सही कह रहा है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। एक टका भी जाया नहीं करूंगा मैं राहत भाई के लिए। अली, आप अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, और आप भी, आप दोनों में इंसानियत नाम की कोई चीज है? मैं और तमन्ना बस दुआई कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस वसीयत के नतीजे में मिलने वाले खजाने से आप लोग जुदा नहीं हो पा रहे, उसका असल मकसद आप बहन भाइयों को जोड़ना, आपके सारे अफराद को मिलाना और रिश्तों की कीमत को बावर कराना है। रिश्तों की कीमत डॉलर्स और रुपयों में नहीं गिनी जाती, रिश्तों का सिक्का ईसार और कुर्बानी है। तो आप समझते हैं कि हम लोग खुदगर्ज और बुरे लोग हैं? टेल मी एडी साहब, आप तो रिश्तों के बारे में बहुत जानते हैं। अगर मैं अगवा हुआ होता राहत भाई की जगह, आपको लगता है राहत भाई मुझे बचाने के लिए अपने पैसे जाया करते? हरगिज नहीं। राहत कभी किसी की मदद कर ही ना ले, वो पहले ही अपने बहन भाइयों को धोखा दे चुका है। मैं रिश्तों के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मिस्टर राहत को बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो जो पछतावा, जो खला है, वो पूरी कायनात की दौलत भी पुर नहीं कर सकेगी। याद रखिएगा, हर लम्हा टॉर्चर में रहेंगे आप लोग। अरे एडी साहब, आप कुछ नहीं जानते हैं, यू नो नथिंग। ठीक है, मैं ये घर बेच के तावान देने के लिए तैयार हूं। मेरा वैसे भी यहां रहने का कोई इरादा नहीं। हाँ, हमने भी अब यहां नहीं रहना। ना 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 ना, आप लोग ये घर नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि ये घर आपका नहीं है। तो फिर किसका है? ये घर रोशन साहब के ट्रस्ट में है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। सुन लिया सलीम भाई, मेरा सर फट रहा है, जा रहा हूं मैं यहां से। मिस्टर सलीम, आप अली को समझाइए, क्या आप लोग सारी जिंदगी इस दुख के साथ रह पाएंगे? अच्छा, मैं देखता हूं। अली, मैं सोच रहा था कि हम हाथ पे हाथ रखकर यूं ही बैठे रहेंगे, तो वहां राहत को अगर कुछ हो गया तो? अली, हम किस किस्म के लोग हैं? सलीम भाई, हम लोग जितने बुरे हैं ना, उससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। नहीं अली, हम इतने बेहिस और इतने संगदिल नहीं हो सकते। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। और आप चाहते हैं कि मैं अपने 12 करोड़ दे दूं?
मुझे ये समझ में नहीं आता सलीम भाई कि मैं ही क्यों सबसे ज्यादा सफर करता हूँ हमेशा। अली मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये मेरी गलती, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि राहत भाई के साथ वही हो रहा है जो वो दूसरों के साथ करते आए। उनके गुनाहों ने और हिमाकतों ने कभी ना कभी उनके साथ कैचअप करना ही था। गुनाह और हिमाकत तो अल्लाह भी माफ कर देता है, ये दौलत तो आनी जानी चीज है। आज चली गई है, कल फिर आ जाएगी। इससे पहले जैसे बड़ी आ रही थी, है ना? आप मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सलीम भाई। मैं आपके सामने इस तमाम दौलत को आग लगा दूंगा, लेकिन इस ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। और अपने भाई को मरने दोगे और बशीर को भी? अरे तो मैंने कहा था राहत भाई को कि लोगों से पैसे लें, या मैंने बशीर को कहा था कि उनके साथ जाए? हर चीज का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, कोशिश कर रहे हैं। अली वक्त गुजर रहा है। अली मैं जानता हूँ कि तुम नाराज़ हो अपने भाई से, गुस्सा भी हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। हर कोई चाहता है कि उसका भाई उसका सबसे पक्का दोस्त हो। और मुझे पक्का दुश्मन मिला। मेरे बस में होता तो मैं कोई और भाई चुनता। मिस्टर अली, खून के रिश्ते इंसान नहीं चुनता, खुदा अपने बंदों के लिए खुद सिलेक्ट करता है, और इंसान का काम है सिर्फ निभाना। बचपन से ही मैं छोटा भाई होने के बावजूद बड़े भाई का रोल निभा रहा हूँ। मुझे क्या मिला?
मेरे ख्याल से मैं निभाने का हिस्सा निभा चुका हूँ। चाहे राहत भाई जी हैं या मैं अपना हक नहीं दूंगा। तो तुम कुछ नहीं करोगे? एडी साहब, मैं अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हूं। अली, सोच लेना, तुम अपनी भाभी को सारी जिंदगी फेस नहीं कर पाओगे। मैं राहत का भाई बात कर रहा हूं, पैसों का बंदोबस्त हो चुका है, वक्त और जगह बता दो, मैं आ जाऊंगा। परेशान नहीं हूं, मैं अकेले आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा अली के साथ। अकेले बुलाया तो मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं उनको अपना वादा तोड़ने का कोई रीजन नहीं देना चाहता। अल्लाह बेहतर करेगा, किसी को साथ ले जाओ हिफाजत के लिए। सरी, मैं पहले बैंक जाना है, कैश निकालना है, फिर वहां से आगे थोड़ी देर लग जाएगी। आप लोग परेशान मत होइएगा और भाभी और जुम्मन से कहिएगा कि मैं राहत भाई और बशीर को लेकर आऊं। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड लक अली। मैं 15 करोड़ ले आया राहत और बशीर का। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर है गालिब। न जाने वो है ना कैसे देखते होंगे। मैं यहाँ मुशायरा सुनने नहीं आया हूँ। राहत और बशीर का है? महफूज है। पहले पैसों की शक्ल तो दिखाओ। पहले राहत और बशीर को मेरे हवाले करो, फिर पैसे भी दे दूंगा मैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। लड़ते और हाथों में तलवार भी नहीं है।
मेरे बंदों ने तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं चाहूं तो तुम्हें भी इन पैसों के साथ उठा लूं, लेकिन मेरे भी कुछ असूल है। मैं ये काम बड़े अरसे से कर रहा हूं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बैग खोल के दिखाओ। ठीक है, वादा पूरा करो। फोन मिला के दो। छोड़ दो उन्हें। हाँ हाँ पहुंच गए तुझे। तुझे क्या मिलेगा? तुझे तो अंडा मिलेगा। जा छोड़ के आ उन्हें। राहत और बशीर खैरियत से घर पहुंच जाएंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं अपने वादे का पास रखता हूँ। जब तक राहत और बशीर घर नहीं पहुंचते मैं बैग नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी अली जान। जी एडी साहब, जैसे ही राहत भाई और बशीर घर पहुंचे मुझे फौरन बताइए। गाने पसंद है? बिल्कुल भी नहीं पसंद। पूरा यकीन है मामू स्मर्फ और डेक्स्टर वापस आ जाएंगे। टेंशन नहीं लो ना, अब तो अली बाबा गए लेने के लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, खुश रहो। अब नेक्स्ट टाइम तुम आओगी मुझसे मिलने, ठीक है? मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। चले मीना बेटा, खैर से जाना और रास्ते में किसी से बात ना करना। अगर कोई तुम्हें पूछना भी हो ना या कुछ समझ ना आए तो किसी यूनिफॉर्म वाले से पूछ लेना, ठीक है बेटा? जी मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। मीना बेटा देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। की माँ उसको जल्दी भेजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। डैडी साहब मैं मीना को एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ। ठीक है सुनील साहब। चलो चलो, चलने का, पैकअप करने का। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले भी दो बार ठंडी के हाथों मरने वाले थे। अब मरने वरने का डर खलास हो गया, टेंशन नहीं लेने का, अपन खुद ड्रॉप करेगा। अब नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई ने बोलना है चलने का तो बस चलने का है। अब आपकी बातों पे हमें यकीन नहीं है, और अठनी भाई हमें क्यों छोड़ेंगे? राज भाई कहीं अली भाई ने हमारा तवान तो नहीं भर दिया? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि भाई ने बोला है तुम्हें रखकर बहुत लाश हो रहे लाए। भाई ने बोला है जो कुछ है लेने का फिर छोड़ देने का, जेब में कितना है
मेरे पास 1000 रुपए है और मेरे पास 500। चुप नहीं हुई इधर, ये 500 और 1500 हो गए, चलेगा? चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अपन का साहब सेटल हो गया। हाँ? भाई चले। हाँ? बशीर चलो। अरे खोल ना रे बाबा। ओए होए होए होए, चलो चलो चलो।